जहाँ पे हम लोग जो है आपको बताएंगे कि आपके बिजनेस प्रॉब्लम्स कैसे दूर हो सकते हैं फ्लरिस फाइल मेकर के साथ शुरू करने से पहले अपना थोड़ा तारफ कराऊंगा हम लोग जो हैं वो अन से बिलोंग करते हैं अनसिकली है एक सॉफ्टवेयर डिविजन है जिन टेक्नोलॉजीज का जिन टेक्नोलॉजीज़ पिछले तीस साल से सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है ज़्यादातर ऑफ शोर क्लाइंट्स को अनन जो है वो पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट कर रहा है और उनको रैपिड डिवेलप सॉफ्टवेयर जो हैं वो बना के प्रोवाइड कर रहे हैं अनन बेसिकली जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसका ये मकसद है कि बहुत सारे बिजनेसिस हैं जो इतने मसरूफ़ होते हैं अपने काम में कि वो जो हैं एट टाइम्स नहीं uh, सोच पाते कि उनको तो प्रोसेस कैसे जो है स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं अनसिया के साथ सॉफ्टवेयर uh, टेरिस फाइल मेकर के साथ जो है उनके ये इश्यूज वो दूर हो सकते हैं हमारी टीम जो है वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बना के ही प्रोवाइड कर सकती है अदरवाइज टेरिस फाइल मेकर एक ऐसा टूल है जिससे अगर वो चाहें तो वो ख़ुद भी सॉफ्टवेयर जो है विद लिटिल और नो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वो बना सकते हैं अगर हम उनको प्रोवाइड करें एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन तो वो बाद में उसको खुद भी इनहेंस कर सकते हैं और बाद में उसको जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट अपनी जरूरत के मुताबिक आजकल जो है हर बिजनेसमैन मैन मसरूफ होते हैं डेली के उनके जो टास्क होते हैं उसमें उनको मौका नहीं मिलता है या टाइम नहीं मिलता है कि वो अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करें कुछ ऐसे एफिशिएंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करें जिससे जो उनके प्रोसेस में डिले हैं या कोई इश्यूज हैं वो जो हैं वो उसको दूर कर सकें डेली के टास्क में वो इतना मसरूफ होते हैं बट अब वी कैन हेल्प दैम अचीव दैट इज वेल थ्रू क्लेरिस फाइल मेकर वर्क प्लेस इनोवेशन थ्रू क्लियर फाइल मेकर जो है वो एक बिजनेसमैन को जो है मौका देती है या एक अपॉर्चुनिटी देती है कि अपने जो भी उनके टास्क हैं वो उनको रिडिफाइन कर सकें उनको स्ट्रीमलाइन कर सकें अगर उनका पेपर बेस्ड इस वक्त कोई मेथड है या कोई प्रोसेस है उसको जो है वो डिजिटल करके कंप्यूटर पे टैबलेट्स पे मोबाइल पे लेकर आ सकते हैं उससे जो है उनके गोल्स एक्शनेबल प्लान्स बन सकते हैं उनका काम जो है वो तेज़ हो सकता है और उनका बिजनेस ट्रांसफॉर्म और ग्रो कर सकता है बेनिफिट्स ऑफ वर्कप्लेस इनोवेशन के अंदर जो है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे आपको और आपकी टीम मेंबर्स को आपके जो एम्प्लॉज हैं उनको एक तरह का एक तरह की सहूलत मिलती है कि वो अपने जो टास्क हैं वो एफिशिएंटली परफॉर्म करें चाहे वो पेपर को अवॉइड करके हर चीज़ टैबलेट में लिखना या मोबाइल पे एंटर करना है या जो है इंस्टेड के वो पेपर पे पहले एक फॉर्म भरें उसको फिर आके कंप्यूटर पे भरें वो डायरेक्टली जो है उसको अवॉइड करके वो कहीं भी हो मोबिलिटी अगर उनके मोबाइल में है या फंक्शनैलिटी उनके टैबलेट में प्रोवाइड की हुई है तो वहाँ से एक्सेस करके उस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन को डेटा भिजवा सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं जो वर्क प्लेस इनोवेशन से हो सकती हैं डिपेंड करता है एक बिजनेसमैन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आज जो है हमारा दूसरा सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कस्टमाइज रिपोर्ट्स क्लेरिस फाइल मेकर में कैसे बनती हैं पिछले हफ्ते हमारा जो पहला सेशन था उसमें उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक्सेल से क्लेरिस फाइल मेकर के अंदर जो है हम कैसे स्विच कर सकते हैं अगले हफ्ते जो हमारा इस सीरीज का आखिरी सेशन है उसमें हम बताएंगे कि डेटा कैसे जो है फाइल मेकर में उस डेटा के थ्रू हम ग्राफ्स और चार्ट बना सकते हैं पिछले हफ्ते जो हमने बात की थी चेरिस फाइल मेकर के का जो इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था उसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि हम डेटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं उसके अंदर फिर हमने आपको एडिटोरियल चेंजेस करके दिखाई थी स्क्रीन लेआउट के अंदर डेटा फील्ड मैंने मैनिपलेन ऑटो कैलकुलेशन एंड कंट्रोल्स जो हैं वो बताए थे फिर हमने जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है उसको कैसे यूज़ करते हैं डेटा एंट्री में वो कैसे इस्तेमाल हो सकता है और फिर हमने जो है कस्टमाइज डिज़ाइन बटनस नेविगेशन के लिए अगर लिस्ट के एंड में जाना है या नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जाना है वो हमने आपको दिखाए थे प्लस फाइल मेकर की जो खासियत है सिक्योरिटी फॉर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कंट्रोल ये चीज़ें हमने आपको दिखाई थी कि फाइल मेकर के थ्रू आप कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं एक यूजर को हमारा जो यूट्यूब चैनल है अन नसीहा उस पर जो है पिछले हफ्ते की वेबिनार की वीडियो मौजूद है आप लोग जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं और आज के सेशन जो है अब हम लोग शुरू करते हैं आई एल आस्क फ Hopefully, आप सब लोग खैरियत से होंगे जैसा कि सर समीर ने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया और उसमें बताया कि आज हम देखेंगे कि फाइल मेकर प्रो के थ्रू जो है हम कैसे एक एलिगेंट और एक अच्छी रिपोर्ट जो है वो हम डिजाइन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल स्टेप के साथ बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सेशन फर्स्ट के बारे में बताता हुआ चलूं जो व्यूअर्स हमारे साथ उस सेशन में नहीं थे व्यूअर्स उसमें हमने एक एग्जांपल ली थी बुक स्टोर्स की और एक बुक स्टोर का जो सेल्स रिकॉर्ड था जो कि वो एक्सेल शीट में मेंटेन कर रहे थे वो हमने फाइल मेकर प्रो ऐप में स्विच किया था बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा प्रॉपर एक टेबल बना था कुछ डाटा फील्ड बनी थी और उसके अलावा फॉर्म बना था तो व्यूअर्स तो हम जो है इसी से आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे स्टार्ट करते हैं हम रिपोर्ट्स की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि हम फाइल मेकर में कौन से ऐसे इजी स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिसके थ्रू जो है आप विद इन फ्यू मिनट्स जो है एक अच्छी रिपोर्ट आप ले सकते हैं ठीक है व्यूअर्स मैं आपको ये बताता हुआ चलू कि फाइल मेकर प्रो के जो है थ्री मेजर मोड्स हैं एक लेआउट मोड जो कि एडिट लेआउट के, के थ्रू आप देख सकते हैं एक यूजर व्यू होता है जिसे ब्राउज भी कहते हैं और एक प्रीव्यू मोड होता है जो कि प्रिंट्स के के लिए या के लिए या रिपोर्ट्स यूज होता है 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 ठीक जब भी हमने फाइल मेकर प्रो पे डेवलपमेंट करनी है, कुछ भी हमने बनाना है हमने हमेशा लेआउट मोड ही यूज करना है तो हम मूव करते हैं लेआउट मोड की तरफ हम आते हैं लेआउट्स की तरफ मैनेज लेआउट्स की तरफ सबसे पहले हमें रिपोर्ट्स के लिए बनाना है एक रिपोर्टिंग लेआउट मैं न्यू पे क्लिक करूंगा लेआउट्स पे जाऊंगा यहाँ पे मैं प्रिंटर को सिलेक्ट करूंगा और रिपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे हम रिपोर्ट का नेम देंगे सेल्स रिपोर्ट और इसके बाद फाइल मेकर प्रो जो है अब हमसे कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करवाएगा हम जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आप देख सकेंगे स्क्रीन पे कि आपके सामने इसी तरह के कुछ स्टेप बाय स्टेप जो है डायलॉग बॉक्सेस जो है वो आते जाएंगे जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है यहां पे मुझसे ये पूछा है फाइल मेकर कि आपने अपनी रिपोर्ट में सब टोटल्स एंड ग्रैंड टोटल जो है वो डिस्प्ले करने हैं मेरी रिक्वायरमेंट है यस मैं नेक्स्ट करता हूं। उसके बाद मुझे अपनी रिपोर्ट में जो मैं बनाने लगा हूँ जो मेरी रिक्वायरमेंट है उस रिपोर्ट में मुझे कौन कौन सा डाटा जो है शो करना है डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली फील्ड जो है वो मैं मूव करता जाऊंगा मुझे डेट चाहिए मुझे आइटम चाहिए क्वांटिटी चाहिए रेट चाहिए टोटल चाहिए सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल दोनों चाहिए मैं नेक्स्ट करता हूँ इसके बाद मुझे सारा जो डाटा है वो मुझे कैटेगराइज जो है वो किस पे करना है मुझे डेट के ऊपर करना है और ऑब्वियसली मुझे भी यहाँ पे, पे मुझसे वो फील्ड पूछ रहा है कि आपने सब के लिए कौन सी फील्ड यूज करनी है जो कि मैंने ऑलरेडी टेबल में बनाई हुई है नेक्स्ट किया इसके बाद ग्रैंड टोटल के लिए उसने मुझसे फील्ड पूछी और नेक्स्ट किया एंड व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं स्क्रीन में दिस इज द लास्ट ऑप्शन जो ये आपसे पूछ रहा है रिपोर्ट्स के ऊपर कुछ चीज़ें आपको प्रोग्राम करके बनानी पड़ती हैं लाइक like आपको डेट चाहिए होती है पेज नंबर्स चाहिए होते हैं हेडिंग्स वगैरह चाहिए होती हैं फाइल मेकर प्रो जो है आपको यहाँ पे भी फैसिलिटेट करता है ये चीजें वो बाय डिफॉल्ट अगर आप जस्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो जो है आपको रिपोर्ट में अवेलेबल मिलेंगी इवन आपको पोजिशन भी यहाँ पे वो डिफाइन कर देता है आपने टॉप लेफ्ट में क्या मैंशन करना है आपने सेंटर में क्या करना है आपने राइट right में क्या करना है सेम गोज फॉर द फुटर मैंने हेडर के टॉप लेफ्ट में करना है करंट डेट एंड फुटर की लेफ्ट में रखना है पेज नंबर नेक्स्ट एंड फिनिश जैसे ही मैंने फिनिश किया आप देख सकते हैं सेल्स रिपोर्ट के नाम से एक लेआउट जो है वो मेरी स्क्रीन पे आ गया होगा नाउ अब मुझे इस रिपोर्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है मॉडिफाई करना है मॉडिफिकेशन के लिए

और मुझे जो है ट्वेलिंग ग्रैंड समरी का पार्ट जो है वो ऐड करना है मैं ओके करूंगा एंड डन नाउ मेरे पास जो पार्ट्स हैं वो हेडर बॉडी सब समरी ट्वेलिंग ग्रैंड समरी एंड फुटर डन ये हो गए मेरी रिपोर्ट्स के पार्ट्स अब मैं इनको करूंगा सेट ऑर्गेनाइज करूंगा ताकि जो डाटा आउटपुट है वो थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में नजर आए ठीक है और थोड़ी सी कॉस्मेटिक चेंजेस भी मैं अप्लाई करूंगा मैं व्यूअर्स इनकी हाइट्स वगैरह सेट करूंगा फुटर को मैं जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 30 एंड ट्रेलिंग ग्रैंड को मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ 45 एंड सब समरी को मैं दे देता हूँ 45। फाइव आप देख सकते हैं राइट पैन जो है इस राइट पैन के थ्रू जो है आप फाइल मेकर प्रो के लेआउट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनकी जो है प्रोफेस जो है वो चेंज कर सकते हैं ठीक है बॉडी को जो है बॉडी को मैं फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ फिफ्टी अब मैं आता हूं फील्ड्स को मैं सेट करता हूं ठीक है मुझे सब टोटल जो है चाहिए, सब समरी पार्ट में ग्रैंड टोटल चाहिए मुझे ट्रेलिंग ग्रैंड में ठीक है टोटल जो है मैं इसको राइट अलाइन कर देता हूं और इसके बाद सब टोटल को भी इसके साथ ही कर देता हूं और ग्रैंड टोटल को भी इसके साथ ही कर देता हूं व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं फील्ड्स की मूवमेंट कर रहा हूं फाइल मेकर प्रो का एक ऑटो गाइड जो है वो ऑन है जो कि मुझे हेल्प कर रहा है इनकी पोजिशनिंग सेट करने में ठीक है तो मुझे जो है आसानी हो रही है विदाउट काउंटिंग द पिक्सल्स एंड द पॉइंट्स ठीक है तो आप वैसे तो कर सकते हैं राइट में आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इनको मूव कर रहा हूं तो ये चेंजेस मेरे पास डिस्प्ले हो रही हैं ठीक है मैं अब इनकी पोजिशन सेट कर रहा हूं एंड सेम गोज फॉर द टाइटल ठीक है ये फील्ड के टाइटल्स हैं एंड ये बॉडी के जो थे फील्ड uh, हैं उनके टाइटल्स हैं और मुझे ऑटो गाइड जो है वो कितना हेल्प कर रहा है इनके मैं टॉप्स जो है वो सबके कर देता हूं और थोड़ी सी विद भी इनके अकॉर्डिंगली सेट कर देता हूं अब इनकी अलाइनमेंट्स हैं व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने अब टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो सेट कर रहा हूं तो मैं जो है राइट पैन यूज करूंगा एंड सब टोटल आर द फाइनेंशियल एंड ग्रैंड टोटल आर आल्सो फाइनेंशियल टूल्स ठीक है थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड करूंगा को मैं डेटा टाइप जो है वो करेंसी कर देता हूँ ताकि जो सेपरेटर्स वगैरह हैं वो यूज हो जाए ठीक है हमारा लेआउट जो है वो ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज्ड है मैं यहाँ पे एक हेडिंग जो है टॉप पे मेंशन कर देता हूं रिपोर्ट एंड Center. और थोड़ी सी कलर स्कीम जो है वो मैं सब समरी की ग्रैंड समरी की ताकि हम डिफ्रेंशियट कर सकें दोनों के बीच इनके टेक्स कलर्स जो हैं वो भी राइट right पैन के थ्रू ही चेंज होंगे आपने एक चीज नोटिस रखनी है कि जितनी भी मेरी वर्किंग यहाँ पे हो रही है उसमें मैंने किसी किस्म की भी कोई प्रोग्रामिंग या कोई मैंने स्क्रिप्ट चेंजेस नहीं की ठीक है जस्ट मेरा माउस माउस कंट्रोल था और मैंने को यूज करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करके एंड अलाइनमेंट्स वगैरह जो है राइट right पैन के थ्रू जो है यू आई चेंजेस करके मैंने जो है रिपोर्ट को फाइनल किया अब मैं इसका रिजल्ट देखना चाहता हूं मैं ब्राउज मोड पे जाऊंगा यानी यूजर व्यू पे जाऊंगा तो ये रिजल्ट आ रहा ठीक है व्यूअर्स अब चूंकि ये प्रिंटेबल है यानी रिपोर्ट है ठीक है रिपोर्ट को हम हमेशा जो है प्रीव्यू मोड पे ही चेक करेंगे ठीक है जैसे ही मैं इसके प्रीव्यू मोड पे जाऊंगा ठीक है आप ये देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट जो है मेरे पास एक आउटपुट जनरेट कर रही है ठीक है व्यूअर्स अच्छा अब इसमें फॉर एग्जाम्पल मुझे थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी है मैंने ये रिपोर्ट डिजाइन की है लेकिन मुझे अब इसमें मॉडिफिकेशन करनी है अब क्या रोल होगा

कि ये कितना ईजिली जो है आप इसको अगर आपने आउटपुट चेक किया और उसके बाद अगर आउटपुट आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं हुआ तो आप कितना easy, आप इसको मेनटेन कर सकते हैं आपको किसी की डिपेंडेंसी की कोई जरूरत नहीं है और ना ही आपको आ, कहीं टाइम आपको वेट करना पड़ जाए या किसी किस्म की भी आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी इसी तरह मैं इनके भी कलर्स दोबारा मॉडिफाई करता हूँ ब्लैक करता हूं आप देख सकते हैं मैंने जो चेंजेस की वो ठीक है और, मैं इसके में जाता हूं, और देख सकते हैं ये वो रिपोर्ट है जो मैंने विद इन फ्यू स्टेप जो है वो मैंने डिजाइन किया है अगर इसमें मुझे कोई एनहेंसमेंट की जरूरत पड़ती है तो मैं एग्जिट करता हूँ मैं डेफ मोड में जाता हूँ और मैं कुछ भी एनहेंस कर सकता हूँ मुझे अगर के अंदर कैलकुलेशनमेंट चाहिए मैं कैलकुलेश्स के अंदर एनहेंस कर सकता हूँ ठीक है अगर मुझे यू में कोई चेंजेस चाहिए मैं यू में जाके चेंजेस अप्लाई कर सकता हूँ अब मैं आपको जो है इस रिपोर्ट को रिडायरेक्ट करेंगे हम मेन पेज से ठीक है जो कि हमने फर्स्ट सेशन में बनाया था मैं आपको ये बताऊंगा कि हम यहाँ पे एक बटन डिजाइन करेंगे उस बटन के थ्रू जो है हम इस रिपोर्ट पे जंप करेंगे ठीक है तो जैसे कि हमारा होम पेज ये है फॉर एग्जाम्पल और इस होम पेज में आपको बटन नजर आ रहे हैं कुछ फिल्स नजर आ रही है तो हम क्या करेंगे हम या तो एक बटन हम यहाँ से हम यहाँ पे बटन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे बटन क्रिएट कर देंगे जैसे ही बटन क्रिएट करेंगे आपके सामने बटन सेटअप जो है वो इनेबल हो जाएगा ठीक है आप यहाँ पे बटन को नाम दे देते हैं प्रिंट सेल रिपोर्ट ठीक है व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस बटन पे आपको एक्शंस नजर आ रहे होंगे एक है सिंगल स्टेप एक है परफॉर्म स्क्रिप्ट फाइल मेकर प्रो जो है आपको स्क्रिप्टिंग की भी इजाजत देता है ठीक है आप फैसिलिटेट होते हैं स्क्रिप्ट्स भी आप कर सकते हैं यानी अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ एस रिक्वायरमेंट है जो ऐसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है जो कि आप डील नहीं कर पा रहे ठीक है तो आप बाउंड नहीं है आप इसमें प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं ठीक है और सिंगल स्टेप क्या है सिंगल स्टेप वो स्टेप्स होते हैं जो आप स्क्रिप्ट्स के अंदर परफॉर्म करते हैं अब चूंकि मेरी रिपोर्ट सिंपल है ठीक है उसमें मुझे किसी किस्म की कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है तो मैं एक सिंगल स्टेप यूज करूंगा जो कि मुझे जस्ट जम्प कर दे मेरे उस रिपोर्टिंग लेआउट पे तो मैं क्या करूंगा मैं गो टू सकते हैं कि जैसे ही मैं ये स्टेप लिख रहा हूँ नीचे साथ ही description भी आपको नजर आ रही होगी यानी फाइल मेकर प्रोज है बहुत आसान अल्फाज में आपको साथ साथ बता भी रहा है कि जो आप ये स्टेप यूज कर रहे हैं इस स्टेप का मकसद क्या है मैं ऐसे हूं गो टू ले आउट और ले आउट था सेल्स रिपोर्ट का ठीक है ओके okay, डन आप इस बटन को मैंने थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंगली सेट करना है मैं क्या करता हूं मैंने यहां से इसकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग उठा के इस पर अप्लाई कर दी ठीक है अब आप देख सकते हैं मैं जैसे इसको एग्जिट करूंगा ठीक है ये मेरे पास बटन आ गया हम इस बटन की थोड़ी सी पोजिशनिंग करेंगे ठीक है और अगर आपको आईकॉन वगैरह सेट करना हो तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं आपके पास आइकॉन के ऑप्शंस भी आ जाते हैं ठीक है अगर आपने सिर्फ नेम देना है बटन का आप सिर्फ नेम देख सकते हैं आइकॉन और बटन अगर आपने दोनों एक साथ रखना हैं तो आप दोनों को एक साथ रख सकते हैं इसके अलावा ये यह, यहाँ पे आपको पोजिशन भी बता रहा होता है कि आपने आईकॉन और जो नेम है वो आपने किस पोजिशन पे रखना है ठीक है मैं जस्ट फिलहाल नेम रख रहा हूं ठीक है एग्जिट किया मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूं तो मैं कहा चला जाऊँ प्रिंट लेआउट पे मैंने इस पे क्लिक किया मैं अपने लेआउट पे आ गया और मैंने जो है अपनी इस रिपोर्ट का प्रीव्यू करना मैंने प्रीव्यू किया और ये मेरी रिपोर्ट जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो सामने आ गई व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने एक बाय डिफॉल्ट इसका जो था स्टेप था करंट डेट का वो मैंने यहाँ पे यूज किया पेज नंबर आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है पेजिनेशन इसकी इतनी ईजी है ठीक है आप क्या करेंगे आप नेक्स्ट करते जाएंगे या आपको डिफरेंट पेजेस पे लेकर जा रहा है ठीक है रिजल्ट्स जो है आपको ये सब समरी वाइज भी दिखाएगा और एट लास्ट आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा वो मिलेगा आपको ग्रैंड टोटल ग्रैंड टोटल मेरा ब्लैक आ रहा है ठीक है चेंजेस करनी है मैंने एग्जिट किया एडिट पे आया ग्रैंड टोटल को मैं कर देता हूं वाइट And आप देख सकते हैं ग्रैंड टोटल चेंज जो मैंने किया वो फौरन अप्लाई हो गया अब आप व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि फाइल मेकर प्रो में पेजिनेशन आपको कितनी आसानी से यानी आप पेजेस के पेजेस में आप जो है मूवमेंट आपकी हो रही है ठीक है पेज नंबर आपको जो है यहाँ पे वो अपनी जो भी उसकी डिफॉल्ट सेटिंग थी वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया आपको पेज नंबर्स मिल रहे हैं इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे ही आप प्रीव्यू मोड में जाते हैं आपके सामने सेव एस एक्सेल सेव एस पी ये दो ऑप्शन भी फाइल मेकर प्रो आपको देता है ठीक है अब मुझे ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है मुझे ये पी में चाहिए मैं क्या करूंगा मैं सेव एस पी करूंगा इस पी को मैंने सेव करना है और इसको मैं नेम दे देता हूं सेल्स रिपोर्ट सेव किया मैं डेस्कटॉप पे आया ये वो पीडीएफ है और ये वो पीडीएफ है जो एक्सपोर्ट हो गई ठीक है मैंने अपनी रिपोर्ट को जो है पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर दिया और इसके साथ साथ आपके पास एक और फंक्शनैलिटी है सेव एस एक्सेल बेसिकली के लिए मेरे पास अभी एक्सेल इंस्टॉल्ड नहीं है लेकिन सेम आपको यही डाटा जो है ये एक्सपोर्ट करके एक्सेल में दे देगा इसके अलावा व्यूअर्स आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे ही ये प्रिंट सेटअप के ऑप्शन दे देता है ठीक है और आप जो है ओरिएंटेशन पेज की जो भी है आप यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं इसके अलावा आप ये देख सकते हैं अगर प्रिंट रिकॉर्ड्स करने आपने आप डायरेक्ट प्रिंट जो है कमांड भेज सकते हैं तो मैं जो हूँ यहाँ से जैसे भी करूँगा प्रिंट अब बेसिकली मेरे पास सेटअप नहीं हुआ हुआ मैं ओके करूंगा तो ये प्रिंट को जो है कमांड चली जाएगी और यहाँ पे अगर आपने कुछ और फर्दर मोडिफिकेशन करनी है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एक बटन वगैरह बनाना है दोबारा होम पेज पे जम करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं मैं दोबारा एक बटन यहाँ पे बनाता हूँ और बटन बनाने के लिए मैं इस बार सिर्फ आइकॉन लूंगा और मैं यहां पे सिंगल स्टेप ही परफॉर्म करूंगा और सिंगल स्टेप में मैं इसको रिडायरेक्ट करूंगा गो टू लेआउट होम पेज ओके डन थोड़ा सा हम इसका कॉस्मेटिक चेंजेस अगर हमें चाहिए तो हम इस बटन पे अप्लाई कर सकते हैं हम इसको कर देते हैं ब्लैक एंड मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं इस बटन के ऊपर अपना माउस कर्सर लेकर आऊं तो यहाँ पे मुझे कोई टूल टिप वगैरह मिले तो मैं जो हूँ यहाँ पे बैक कर देता हूँ तो व्यूअर्स आप देखेंगे जैसे ही मैंने क्लिक किया बैक होम पेज पे वापस आ गए तो व्यूअर्स ये था का एक और अगर आपकी हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, के थ्रू और इसमें आपको किसी किस्म का कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा होपफुली आपको आज के सेशन में आपका ग्राउंड जो है वो रिपोर्टिंग के हवाले से बिल्ड हुआ होगा थैंक यू सो मच क्वेश्चन हो तो यू कैन टू सर थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी डिटेल सेशन जो है आपने जिसमें आपने बताया एंड uh, अगर आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं तो आप लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं आप और आप पूछ सकते हैं नहीं तो आप जो हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बाई ई मेल आप इस स्क्रीन पर जो है वो ई एड्रेस शो हो रहा है यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई सेल नंबर अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो रिगार्डिंग फाइल मेक रिगार्डिंग एन एस या अगर आप अपना कोई सोल्यूशन बनवाना चाह रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आई गेस वी डेव एनी क्वेश्चन फॉर नाउ एंड आप लोगों से इनशा जो है अब अगले जुम्मे को मुलाकात होगी सेम टाइम साढ़े पांच बजे विद थर्ड सेशन